स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम HM एक्सरसाइज 12 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 12 है, इसका नाम है हीरोंस फार्मूला। हीरोंस फार्मूला क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, धीरे धीरे करके सारी बातें आपको बताएंगे, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन के जरिए, इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसिलीस राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। कह रहा है एक आपका आइसोसिलीस राइट ट्रायंगल है। पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए कि आइसोसिलीस राइट ट्रायंगल क्या होता है, और इसके बेस की वैल्यू हमें दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इस आइसोसिलीस राइट ट्रायंगल का हमको एरिया पूछ रहा है, ठीक है? देखो इसका सोल्यूशन देख लो, बहुत आसान है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो जानते होगे, कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। ट्रायंगल पता है ना, तीन लाइन से मिलने वाली फिगर हमको क्या कहलाती है, ट्रायंगल कहते हैं उसको। जो फिगर तीन लाइन से मिलके बना हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी कुछ इस तरीके के फिगर को हम क्या कहेंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे कुछ इस तरीके के फिगर को। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके अच्छा, देखो तीन लाइन से मिलके बना है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री भी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें कह रहा है आइसोसिलीस राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा आइसोसिलीस राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें आपका ये बेस और ये परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होता है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइडें होती हैं, ठीक है? 90 डिग्री के अपोजिट वाली को आप हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है? और ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड यानी ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है? जो बची हुई दो साइड है उसमें से एक को आप बेस कह देते हो, BC को यहाँ पे मैंने बेस कह दिया है, और जो AB हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, या कहीं कहीं पर इसको हाइट भी कहते हैं, ठीक है? या तो इसको आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हो। तीन नाम है देखो इसके, परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड। बेस होता है और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC जो है इसको आप कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और ये सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेटा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। और यही फॉर्मूला का इस्तेमाल हम इस ट्रायंगल में करेंगे। अच्छा आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका बेस दिया हुआ है। बेस का मतलब BC आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया अगर आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे। यानी अगर इसमें बेस की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी है क्वेश्चन के हिसाब से, तो AB जो कि आपका परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है? तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या दिया है, BC दिया है। हाइट यहाँ पे क्या होगा, AB होगा। अभी बताया कि AB को आप परपेंडिकुलर, हाइट और एल्टीट्यूड तीनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? हाफ बेस और हाइट दोनों में सेम है क्योंकि ये आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है। कितना है, 30 और 30, 30 इंटू 30, 2 1s are 2 15s are, कैंसिल आउट कर दिया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, एक जीरो लगा है जीरो लगा देंगे। सेंटीमीटर में दिया है, एरिया है, तो सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देख लो, कोई चीज़ हटाऊंगा नहीं। बेस भी आपका सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर की पावर 2 या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। कह रहा है ट्राइंगल है जिसकी साइड दी हुई है 16, 30 और 34 सेंटीमीटर, उसका एरिया बताना है। बहुत आसानी से बताएंगे, देखो कोई चीज़ रटवाऊंगा नहीं। पहले एक बेसिक पैटर्न समझ लो। अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल आपको गिवन है, मैं ट्रायंगल थोड़ा छोटा बना रहा हूँ समझना, ABC, अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल गिवन है आपको जिसकी तीनों साइड दी हुई है, यानी यहाँ पे बेस और हाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अगर गिवन है, जैसे मान लो AB को हम स्मॉल ए मान लें, BC को स्मॉल बी मान लें, CA को स्मॉल सी मान लें। AB की वैल्यू ए है, BC की वैल्यू बी है स्मॉल बी, AC की वैल्यू सी है। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल गिवन है जिसकी हमें तीनों साइड गिवन है, तो हम इस तीन साइड की मदद से इसका एरिया बता सकते हैं। और जो
फॉर्मूला दिया गया इस एरिया को बताने के लिए, उसी को आप कहते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, तो उन्हीं के नाम पे ये फॉर्मूला बन गया, हेरॉन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला करता क्या है, पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर तो जानते हो ना, ट्रायंगल की तीनों साइड को जोड़ो तो पेरीमीटर निकल आएगा। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा, तो हमने पेरीमीटर निकाला, उसको दो से डिवाइड कर दिया तो सेमी पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब एरिया निकालना होगा तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये चीज़ होती है, ठीक है। पहले आप हेरॉन्स फॉर्मूला निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी, पैरीमीटर निकालो, उसको टू से डिवाइड कर दो, उसके बाद एरिया निकाल लो। एरिया का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, चलिए, ठीक है। चलिए अब हम अपना चीज़ जो है, देखो ए बी सी की वैल्यू हमें दी है, ए की वैल्यू 60 है, 16 है, बी की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू 34 है, ठीक है। चलिए पहले हम सेमी पैरीमीटर निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। ए की जगह 16, बी की जगह 30, सी की जगह 34 अपॉन में 2। 34 और 16 जोड़ा कितना आएगा, 50 आएगा। 50 और 30 जोड़ा कितना आएगा, 80 आएगा अपॉन में 2। रिड्यूस कर दिया कितना है, 40 आया ना। अब ए निकाल लेते हैं, ए का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या बताया, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की जगह 40 है तो 40 इंटू 40 माइनस ए की जगह 16, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी की जगह 30, सी की जगह 34, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 40 इंटू 40 में से 24, सॉरी 40 में से 16 माइनस करेंगे 24 आएगा, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 आएगा, 40 में से 34 माइनस करेंगे 6 आएगा, ठीक है। अब समझना, देखो बहुत आसानी से तोड़ूंगा। 40 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 4, क्लियर है। इसको 24 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 4। 10 और 6 को आप एज इट इज़ लिखे रहो। 40 को लिख ब्रेक करके तोड़ा 10 इंटू 4, 24 को तोड़ा 6 इंटू 4। 10 को 10 लिखा रहने दिया, 6 को 6 लिखा रहने दिया। दो दो का पेयर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो 10 और 10 का बन रहा है, 6 और 6 का बन रहा है, 4 और 4 का बन रहा है, यानी तीनों चीज़ें क्या हो गई, बाहर आ गई। तो 10 इंटू 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 240 आएगा। एरिया है, साइड आपके सेंटीमीटर में दी थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, क्लियर है, अच्छे से, ओके। क्वेश्चन वन में ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था, वो मैंने टिक नहीं किया था, लेकिन आंसर तो निकाल ही दिया था, तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या दिया है, कह रहे थे साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई है, आपको एरिया निकालना है, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो कैसे निकालोगे। सॉल्यूशन बना लो साइड में, यानी आपको कोई एक ऐसा ट्रायंगल गिवन है जिसकी दोनों साइड आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 325, 300 और 125। पहले आप क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर निकालोगे, कैसे निकालोगे, ए बी, ए की जगह 325, बी की जगह 300, सी की जगह 125, जोड़ो, टू से डिवाइड कर दो। 300 और 100 जोड़ो का कितना हो जाएगा, 400। 25 25 मिलकर कितना हो जाएगा, 450। 450 में कितना जोड़ोगे बेटा, 300 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 750 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। रिड्यूस कर दो कितना आएगा, 375 आ जाएगा, क्लियर है। एरिया निकालेंगे क्या आएगा, एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की जगह क्या होगा, ज़रा देखो, 375 इंटू 375 माइनस 325, ए की जगह 325, फिर जगह 375 माइनस बी की जगह 300, ये कितना हो जाएगा, 375 माइनस 125, ठीक है। चलो ये हो गया 375 इंटू, माइनस का कितना आया, 50 आएगा, इसको माइनस किया कितना है, 75 आएगा, इसको माइनस किया कितना आएगा, 5 में से 5 किया 0,
टू बचेगा, फिर आप 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया बचा 5, 3 में से 1 गया बचा 2। ठीक है, इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, लेकिन देखो कैसे लिखेंगे समझना। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे लिखते हो। 25 की टेबल आती है, नहीं आती तो समझना। ठीक है, ब्रेक करके लिख जा रहा 25 के, उसमें 375 को लिख सकते हैं 25 इंटू, ठीक है ना, कितना लिखोगे? ये आपका रहेगा 15 बार में। ठीक है, अच्छा 50 को लिख सकते हैं आप 25 इंटू 2। इतने बड़े नंबर में इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि आगे आसानी रहेगी, देखना कैसे आसानी रहेगी। 75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3, ठीक है, और 250 को लिख सकते हैं 25 इंटू 10। अब देखो दो बड़ी गिनती बाहर निकल गई, 25 25 का यहाँ पे आर बना, 25 25 का यहाँ पे आर बना, तो 25 और 25 आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, देखो 15 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है और 10 बचा है। अब इसको और ब्रेक करके लिखो, 15 को आप लिख सकते हो, समझना बेटा, 3 इंटू 5, 2 को आप 2 ही रहने दीजिए, 3 को 3 ही रहने दीजिए, और इस 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2। समझ में आया ना, 15 और 10 बचा था, 3 इंटू 5 5 इंटू 2, 2 को 2 ही रहने दिया, 3 को 3 ही मैंने रहने दिया। क्लियर है बेटा अच्छे से? अच्छा, आप समझना, 5 का प्यार बन रहा है, 3 का प्यार बन रहा है, 2 का भी प्यार बन रहा है, सब सब चीज़ बाहर निकल आएगी। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 625। यहाँ से क्या क्या निकलेगा बताओ, 5 बाहर निकला है, 3 बाहर निकला है, 2 बाहर निकला है। ठीक है, अब देखो 3 2 6 6 5 30, 30 को आप 625 से क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करा दोगे। अब 30 को कराना है तो जाहिर सी बात है 3 को कराओगे, और जो आंसर आएगा उसके आगे 0 लगा देना, तो 30 से मल्टीप्लाई, ऐसा मतलब लगेगा कि आपने 30 से कराया है। ठीक है, 3 5 15 के 5 करी लगा 1, 3 2 6 और 1 7, 3 6 18। ठीक, आंसर कितना आया, 1875। कब मल्टीप्लाई कराया, जब 625 को आपने 3 से कराया है, अगर 30 से कराते तो यहाँ 0 लग जाता, मीटर में साइड दी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।